जी मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था एक बार दोबारा शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपने इंस्टाग्राम को लॉगिन करेंगे हम उसको फेसबुक अपनी आईडी से फेसबुक आईडी से लॉगिन कर सकते हैं यहां से हम अपने अकाउंट को अपडेट कर सकते हैं जो भी आपको माइनर चेंजेस करने हैं उसमें कर सकते हैं उसके बाद जो मेन रहेगा अपना हम पोस्ट कैसे करें जैसे हमारी आईडी सिस्टम पे ओपन होगी तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई तो जैसे ये प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन स्प्लिट हो जाएगी उसके लेफ्ट साइड में ये वाली विंडो खुलेगी कई बार ये ओपन नहीं हो पाती है तो जो अपना यह फंक्शन है तभी वर्क करेगा जब ये ये स्क्रीन अपने लेफ्ट राइट या अब या बिलो हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे अगर ये ये वाली स्क्रीन अगर नेक्स्ट विंडो में खुलती है तो हम इसको एक ही स्क्रीन में खोलने के लिए हम क्लिक करेंगे ये वो पूरी विंडो है ये मैंने ये मैंने एग्जाम्पल ले रखा है ये अगर नेक्स्ट विंडो में खुलती है ये स्क्रीन वो स्क्रीन है तो जो ये आप देख पा रहे हो जो ये थ्री पॉइंट्स है ये टोगल बटन है इसपे क्लिक करेंगे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये अभी फिलहाल जो क्लिक हो रखा है जो ब्लू है ये इसका मतलब कि जो ये विंडो है जो ये विंडो है डेवेल्पर ऑप्शन ये नेक्स्ट स्क्रीन उसमें ब्राउजर में खुलेगा तो हमें करना है उसको लेफ्ट राइट अबव या बिलो तो हम ये जो तीन ऑप्शन रहेंगे सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट जो अपना नेक्स्ट ब्राउजर में खुलेगा जो ये फर्स्ट वाला है इसमें लेफ्ट में खुलेगा जो सेकेंड वाला है बिलो खुलेगा जो ये लास्ट हुआ है फोर्थ इसमें राइट right साइड खुलेगा क्या खुलेगा जी ये ये वाला ऑप्शन तो अभी जो हमने फर्स्ट सेकेंड वाला क्लिक किया है ये सेकंड वाला है जी जिसमें लेफ्ट साइड में ये डेवलपर ऑप्शन खुला हुआ है तो उसके बाद जैसे ये ओपन होगा हमें अपना जो व्यू है वो मोबाइल व्यू रखना है क्योंकि अभी हमारा जो व्यू है वो डेस्कटॉप व्यू है तो अपने को मोबाइल व्यू करना है तो उसके लिए उसके बाद में फिर रहेगा ऑडिट्स जो सबसे लास्ट में रहेगा हम उस उसपे क्लिक करेंगे जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन दिखेंगे आपको डिवाइस मोबाइल और डेस्कटॉप बाकी हम कुछ भी चीज नहीं छेड़ेंगे हम डिफॉल्ट आपको यहाँ पे डेस्कटॉप मिलेगा हम यहाँ पे मोबाइल सेलेक्ट करेंगे यानी हमारा जो ब्राउजर है मोबाइल फंक्शनिंग करेगा उसके बाद हम रन ऑडिट्स पे क्लिक कर देंगे जो देख पा रहे हो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें F5 प्रेस करना है अपनी विंडो को रिफ्रेश करना है F5 से और जो डोवेल्पर ऑप्शन है उसको अभी क्रॉस नहीं करना है उसके बाद अपना जो थर्ड स्टेप रहेगा ऑडिट्स के बाद जो सबसे रा, राइट साइड में लास्ट में है जो अपना अगला स्टेप है जो सेकंड बटन है ये जो ब्लू हो रखा है हम इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हो हमने यहाँ से डेस्कटॉप से मोबाइल व्यू चेंज कर लिया अपना उसके बाद हम ब्राउजर को बताएंगे कि जो हमारा मोबाइल व्यू है वो कॉम्पैक्ट कर दो इसको व्यू को तो हम जो सेकंड ऑप्शन है जो एरो एरो से मार्क कर रखा है इस पर क्लिक कर देंगे इस पर क्लिक करने के बाद सेम वैसे रहेगा रन ऑडिट्स जैसे अप्लाई करते हैं यहाँ रहेगा उसके बाद दोबारा फिर हम एफ फाइव प्रेस करेंगे और एफ फाइव प्रेस करने के बाद हमें ये विंडो क्रॉस नहीं करनी है हम जो पर अपना जो ये डिवेल्पर ऑप्शन रहेगा ये वाला हम इसको क्रॉस कर देंगे जैसे आप ये स्क्रीन में देख पा रहे हो यहां से जो ये क्रॉस का बटन है यहां से इसको लेफ्ट वाली स्क्रीन को हम क्रॉस कर देंगे तो जैसे इसको क्रॉस करेंगे तो ये अपना जो स्क्रीन है इस टाइम जो ब्राउजर अपना मोबाइल व्यू में है आप देख सकते हैं जो जो हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे होता है सेम अपने ब्राउजर में वैसे चलेंगे हम यहाँ से जो फर्स्ट में देख पा रहे हो से अगर आपका वेब है तो यहां से आप लाइव फोटो इसमें अपलोड कर सकते हैं और सेम जो ये प्लस का बटन आप देख पा रहे हो यहाँ से हम नई न्यू पोस्ट कर सकते हैं जो बाकी तो आप जानते हो इंस्टाग्राम में क्या कुछ होता है ये लेफ्ट सबसे लेफ्ट मोस्ट है जो ये होम का बटन है ये सर्च का बटन है फ्री हार्ट का बटन है अगर हम किसी को लाइक करेंगे तो रेड हो जाएगा फिर अपना जो बिल्कुल लास्ट में है पे ये आइकन बना हुआ है मैन आइकन तो इस पर क्लिक करेंगे तो अपनी प्रोफाइल वगैरह को अपडेट कर सकते हैं जी तो ये अपना हो गया है। हम इंस्टाग्राम मोबाइल इसमें अपने ब्राउजर में कैसे चलाएंगे तो इसका सिर्फ एक ड्रॉबैक ये रहेगा हम यहां सिर्फ फोटोज ही पोस्ट कर पाएंगे हम इसमें वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाएंगे और आ, कई बार क्या होता है हमारी जो वीडियोस होती हैं हालांकि अब तो जो एक नया मेथड है इंस्टाग्राम का आई जी इसमें अगर आपकी वीडियो एक मिनट से ज्यादा है तो हमें वो वीडियो हम बात करें मोबाइल से तो जो वीडियो है वो हम कैसे अपलोड करें जो एक मिनट से ज्यादा है तो जैसे आप देख पा रहे हो ये मोबाइल व्यू है हम हमारा अब हम सर्च पे क्लिक करेंगे जो बिल्कुल ये लेफ्ट में सेकंड लेफ्ट है इस इसपे क्लिक करेंगे इसके क्लिक करने के बाद जो आईजीटीवी है जो ये मार्क किया हुआ इस इसपे क्लिक करेंगे हाकि सभी को पता होगा लेकिन फिर भी ये पीपीटी में डला हुआ डल लगा बता दू इसको मैं तो उसको बा, उसके बाद हम जैसे आई जी टीवी क्लिक करेंगे तो हम इसमें वीडियो अपलोड करने अपनी गैलरी से तो जो ये प्लस का बटन देख पा रहे हैं हम उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे फिर हम गैलरी में जाएंगे गैलरी में जो हमारी वीडियो है इसको हम पोस्ट करना चाह रहे हैं जो एक मिनट से बड़ी वीडियो है उसको सेलेक्ट करेंगे जैसे हम टाइटल डिस्क्रिप्शन डालते हैं सेम वीडियो में वो डाल देंगे उसके बाद जो ये पोस्ट के प्रव्यू का बटन है जैसे हम देख पा रहे हैं अनुपम खेर जी की फोटो आई हुई है जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पोस्ट का प्रव्यू दिखेगा आपको अगर आप इसको अनचेक रखोगे तो जो पोस्ट है तो उसका प्रव्यू नहीं दिखेगा आपको अगर हम इसको चाह रहे हैं कि जो हमारी जो ये वीडियो है क्योंकि आजकल फेसबुक और का अकाउंट सेम ही रहता है तो अगर हम चाह रहे हैं इसको पैरेलली फेसबुक पे अपलोड कर दें तो हम जो ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है मेक विजिबल ऑन फेसबुक इसको चेक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो जो है इंस्टाग्राम के साथ साथ फेसबुक अकाउंट पे भी आपके अपलोड हो जाएगी जैसे आप देख पा रहे हैं जो ये वीडियो है अपलोड हो रही है ये वीडियो दो मिनट बीस सेकेंड की थी और ये वीडियो अपलोड हो गई है हमारी उसके बाद हम इसको कॉपी कर सकते हैं लिंक को अपनी स्टोरी बना सकते हैं इंस्टा की या फेसबुक की स्टोरी बना सकते हैं जैसे आप देख पा रहे हो ये टाइमिंग है इस वीडियो का दो अठारह इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये दो सेकंड की वीडियो अपनी प्ले हो चुकी है तो ये दो मिनट बीस सेकंड की वीडियो हमने अपलोड कर दी है जी धन्यवाद ये हमारी है इंस्टाग्राम की कि हम कैसे इंस्टाग्राम चला सकते हैं ब्राउजर पे और एक मिनट से ज्यादा की वीडियो हम कैसे अपलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल से